हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज फाइनली बताने वाला हूँ कि आप अपने ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट नंबर कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर सिम कार्ड में या मोबाइल में है, अगर मोबाइल चेंज हो गया या सिम कार्ड चेंज हो गया, तो आपका जो भी नंबर आप सेट करते थे वो नंबर निकल जाता था। एक बार ईमेल आईडी में आपका नंबर सेट हो जाने के बाद आपका नंबर कभी भी डिलीट नहीं होगा मोबाइल से। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। उसमें सर्च करना है आपको गूगल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर अपना टाइप कर लीजिए गूगल कॉन्टैक्ट। इसको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का लोगो आ चुका है। तो चलिए आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। देखिए फाइनली मेरा कॉन्टैक्ट जो भी है, मेरा डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा वेट कीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरा गूगल कॉन्टैक्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप ओपन करेंगे आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी पहले से इसमें मेरा ईमेल आईडी जो है लॉगिन है। तो आपको भी अपना ईमेल आईडी इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें प्लस का आइकॉन है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का नया पेज ओपन होगा। फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में जिसका भी आपको नंबर सेट करना है, सेव करना है, उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए अपना नाम डाल देता हूँ। और फ़ोन पे यहाँ पे जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप उस कंट्री का कोड यहाँ पर डाल लीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी होता है वो नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद आप चाहें तो इसमें अपना वर्क ईमेल आईडी सेट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इसे ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी में हमारा जो भी नंबर मैंने सेट किया था वो नंबर सेट हो चुका है। अब जो भी नंबर सेट किए हैं वो आपका नंबर आपके ईमेल आईडी पे हमेशा के लिए रहेगा। अगर आपका मोबाइल ख़राब भी हो जाता है, अगर आप दूसरे मोबाइल में अपना ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है ईमेल आईडी पे, वो ऑटोमेटिक आपके कॉन्टैक्ट नंबर में चला जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं